10:30 बजे के स्पेशल शो में आपका स्वागत है। जी न्यूज ने कल आपको दिखाया था कि मुंबई में किस तरह ड्रग्स का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। अब मुंबई एनसीबी ने नांदेड़ में ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश कर 100 किलो से ज्यादा ड्रग्स जब्त की है। इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नांदेड़ की कामठा में लगी इन मशीनों से नशे का सामान तैयार किया जाता था। एनसीबी ने इस फैक्ट्री पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल जब्त किया है। इसके अलावा छापेमारी में वहां से 1.5 लाख कैश और नोट काउंटिंग मशीन जब्त की गई है। एनसीबी ने इस मामले में 3 आरोपियों को धर दबोचा है। जो पॉपी स्ट्रॉ होता है, इसे ये रॉ मटेरियल होता है जिसे इलीगल हीरोइन भी बनाई जाती है। ये बेसिकली जो अफीम होता है उसका ये एक प्रोडक्ट है एंड एनडीपीएस एक्ट में भी एक कवर्ड है। एनसीबी ने सोमवार को जालना, औरंगाबाद और नांदेड़ में छापेमारी की, जिसमें ये खुलासा हुआ। नशे के इस रैकेट के तार महाराष्ट्र के अलावा दूसरे राज्यों से भी जुड़े हैं। एक हफ्ते पहले ही एनसीबी ने नांदेड़ में एक ट्रक से 1,127 किलो गांजा जब्त किया था। ये गांजा आंध्र प्रदेश से जलगांव ले जाया जा रहा था। नांदेड़ से सतीश मोहिते पाटिल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित करने वाला नोटिस उनके जुहू वाले फ्लैट पर चिपकाया गया है। नोटिस में परमबीर सिंह को 30 दिनों के भीतर मजिस्ट्रेट कोर्ट में या फिर केस से जुड़े जांच अधिकारी के सामने पेश होने को कहा गया है। एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई है। परमबीर सिंह के जुहू वाले फ्लैट पर लगाए गए नोटिस के मुताबिक अगर वो 30 दिनों के भीतर एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की कोर्ट या जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं हुए तो उनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। गोरेगांव में वसूली के एक मामले को लेकर मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने परमबीर को भगोड़ा घोषित करते हुए ये ऑर्डर दिए थे। परमबीर सिंह के खिलाफ ठाणे में 2 केस, गोरेगांव में 1 और मरीन ड्राइव में 1 मामला दर्ज है। इनमें हफ्ता वसूली, फिरौती और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इन मामलों में 3 गैर जमानती वारंट जारी हुए थे। इसके अलावा इंस्पेक्टर अनूप डांगे की शिकायत को लेकर भी महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो परमबीर सिंह के खिलाफ जांच कर रही है। 100 करोड़ वसूली मामले में सीबीआई परमबीर का बयान दर्ज कर चुकी है, जबकि ईडी इस मामले में परमबीर को पूछताछ के लिए समन कर चुकी है। मुंबई में विस्फोटकों वाली स्कॉर्पियो पार्क करने और मनसुख हिरण मर्डर केस में भी एनआईए परमबीर सिंह के खिलाफ जांच करना चाहती है। राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई। मुंबई में टमाटर के दाम ने सेंचुरी लगा दी है। कर्नाटक में बेमौसम बारिश का असर मुंबई में टमाटर पर पड़ा है। मुंबई में टमाटर 80 से 100 रुपए किलो बिक रहा है। जानकारों का कहना है कि नई फसल आने तक दाम में कमी होने की संभावना नहीं है। सब्जियों के स्टॉल पर सजे लाल टमाटर आम आदमी को मुंह चढ़ा रहे हैं। कुछ दिन पहले तक 40-50 रुपए किलो बिकने वाले टमाटर अब 80 से 100 रुपए किलो उछलकर आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए हैं। महाराष्ट्र के सांगली, सोलापुर और नासिक के साथ ही पड़ोसी राज्य कर्नाटक में बेमौसम बारिश से फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। इसकी वजह से सप्लाई कम हो गई है। नवी मुंबई की थोक मंडी में कुछ दिन पहले टमाटर से लदी 50 से 60 गाड़ियां आती थी, लेकिन अब 20 से 30 गाड़ियां ही आ रही हैं। भाजनचे दर खूब वाढलेले आहेत। टमाटर के दाम खूब बढ़ गए हैं। दाम 100 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। इसके साथ ही सोया 80 रुपए, मटर 160 रुपए हो गए हैं। टमाटर के दाम ज्यादा होने के कारण ग्राहक कम हो गए हैं। थोक मंडी में आवक कम होने से दाम बढ़कर 50 से 55 रुपए किलो हुए हैं। इसका असर रिटेल मार्केट में भी पड़ा है और दाम 80 से 100 रुपए किलो पहुंच गए हैं। कहाँ 30-40 रुपए किलो मिलता था और अभी देखो 100 रुपए किलो हो गया है। मतलब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब गरीब लोग कहाँ जाएंगे बेचारे। जानकारों के मुताबिक नई फसल आने में करीब 1 महीना लगेगा, तब तक टमाटर आपको आंख दिखाता रहेगा। नवी मुंबई से स्वाति नाइक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई।
Presenting B News App, available on Google Play and App Store. Download it now.